महाराष्ट्र में हो रहा है और मध्य प्रदेश पहले प्रयोगशाला थी बीजेपी की, महाराष्ट्र उससे बड़ी प्रयोगशाला बन गई। आप देखना लोकसभा का चुनाव आते आते देखना कितने नए तरह के प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि उसे सत्ता से बाहर नहीं जाना है, सत्ता में बने रहना है। चाहे गरीब, किसान, बहुजन, कहीं उनको स्थान न मिले, लेकिन उन्हें स्थान सत्ता का मिलना चाहिए। यूसीसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी है। अखिलेश जी, बिजली को लेकर काफी लोगों की बहुत हो चुकी है, जब छापे छापों को लेकर बिजली के बारे में क्या पत्रकार साथियों, ये बुनियादी सवाल है ही नहीं। अरे बिजली का सवाल होता तो आज तक मुख्यमंत्री कम से कम प्लांट का नाम तो लेते। बिजली के प्लांट के कारखाने अगर समाजवादी के बनाए हुए चला दिए होते तो आज उत्तर प्रदेश में सस्ती बिजली होती, 24 घंटे बिजली होती। जितने समाजवादी सरकार में लगाए गए बिजली के कारखाने हैं, इस सरकार ने पूरे नहीं किए। चाहे आपका एटा का हो, चाहे आपका निवेली लिग्नाइट कानपुर देहात का, भोगनीपुर का हो, चाहे आपके कानपुर का हो, पनकी का हो, कोई भी कारखाना ये शुरू नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये है कि बिजली भी नहीं है और बिजली इतनी महंगी है, कारखाने भी नहीं लग रहे हैं, न कारखाने चल रहे हैं। अगर इतनी महंगी बिजली होगी तो आम जनमानस को तो बिल देना ही पड़ेगा, और कारखाने कैसे मुकाबला कर पाएंगे अगर कोई चीज बनाएंगे तो, मार्केट में सर्वाइव नहीं करेंगे। ये देश को बिल्कुल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। सर ठीक है सर, फिलहाल बयान दिए लखनऊ में कि जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं उसके पिछले दलित 80% एनडीए के साथ बीजेपी जो बात कहनी चाहती है वो दूसरों से कहवाती है। बीजेपी के पास कई ऐसे लोग हैं जिनसे समय समय पर वो बात कहती है, बीजेपी के नेता क्यों नहीं कहते हैं? नीचे उनको नेताओं को अपने आंकड़े दिखाने चाहिए, मेरे भाई तुम कि आंकड़े क्या है, अपॉइंटमेंट्स किनका हो रहा है, नौकरी किनको मिल रही है। अभी मान लीजिए प्राइवेट कंपनियों ने बड़े बड़े आंकड़े दिए हैं कि हमारी प्राइवेट कंपनी में 6 लाख नौकरियां हैं, किसी ने 5 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 2 लाख बताया। बताओ इसमें पीडीए कितना है, क्या इसका जवाब है उनके पास? सर अमित शाह जिस तरह से लखनऊ आए, इसको 2024 के वो इसलिए आए क्योंकि सर आपका हॉल कैंसिल कर दिया। सोचिए आप, ये तानाशाही, ये तरीका है सरकार के काम करने का। आप अगर कार्यक्रम करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। अरे हम तो ये भी जानते हैं, आपको ब्रेकिंग न्यूज भी बीजेपी देती है कि ब्रेकिंग न्यूज में ये लाइन चलाइए, आप ये लाइन हमें सूट कर रही है। तो सोचो ये है काम करने का तरीका।